My name is Sharma. I am living in Faridabad, belong to Uttarakhand. I belong to Uttarakhand, live in Faridabad. I am a mechanical engineering BTech graduate. And currently, I am working with AIS Windows. And AIS Windows. What about your educational background? Education, I am mechanical engineer BTech from Government College, Chaudhary Devi Lal State Institute of Technology. And diploma bhi kiya maine Sonipat se. बाकी मेरी 10th 11th सीबीएसई बोर्ड से रही है, प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड से रही है मेरी। व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली मतलब आई हैव फोर ब्रदर सिस्टर्स हैं, तीन, और पापा यहीं जॉब करते हैं, ऐसे कुछ वर्कर करते हैं। और कहाँ पर? इधर नॉर्मल जॉब पाली की तरफ। एक किस चीज की वर्कर? उनके फील्ड का वर्कर, मदर हाउसवाइफ। सिस्टर दो की मैरिज हो चुकी है और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सपना और कोर्स इंडस्ट्री। आई एम अकाउंट सी। यू आर वुड बी फ्रेशर, नो वर्क एक्सपीरियंस? हां, वर्किंग एएस विंडोज में वर्क कर रहा हूं मैं, एज अ कॉस्ट एस्टिमेटर और डिजाइनिंग करता हूं। Now you're working in this company? AIS Windows. AIS Windows. तो क्या प्रोफाइल है यहाँ की? विच प्रोफाइल जो है वहाँ पर मैं ट्रेनिंग हूँ ऐसे अभी तो। ओके, एज अ ट्रेनिंग वर्क कर रहा हूँ वहाँ पर मैं AIS Windows में। डिजाइनिंग ऑफ कनेक्टिंग रोड्स। सॉफ्टवेयर क्या क्या चलाते हैं? वैसे मैं ऑटोकैड पर वर्क करता हूँ वहाँ पर, और एनएक्स में स्टार्टिंग सीखा मैंने, और एनएक्स का स्टार्टिंग भी है। कुछ रूम बनाने के लिए बना सकते हो ऑटोकैड पे, यूजी पे? ड्राइंग रीडिंग कुछ पता है? जैसे ये ड्राइंग है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है ये लिखा हुआ है? ये प्रोफाइल है सर्विस। आगे क्या लिखा हुआ है देख लो आप। ये ड्राइंग देख के 3D बना पाओगे इसका? पता लगा कुछ सिंबल के बारे में? ये तो प्रोफाइल सर्फेस। और आगे क्या लिखा है? आगे वन वन तो सिखाई होगी ना ड्राइंग पढ़ाई में? इंजीनियरिंग अभी ख़त्म करी है तो सर सीख। नो सर, ये वन लिखा है आगे। चलो ओके। ये पता क्या चीज़ है? ये प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, क्या होते हैं ये? ये हमारे व्यूज होते हैं, ड्राइंग बनाते हैं ना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हम उसमें बनाते हैं, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना सकता है यहाँ पे? फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल कैसा होता है? फर्स्ट एंगल का व्यू बनाइए यहाँ पे। मतलब ये लाइन हमारी डिज़ाइन काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें आना चाहोगे तुम? डिज़ाइनिंग में या किसी और कैड दूसरी? डिज़ाइनिंग में ही आना। ठीक है, तो ठीक है, फ्रेशर से इतना ही कुछ पूछ सकते हैं कितना है? ठीक है, आप चलते। रोहित, हमारी लाइन के अंदर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ टाइम दे करके लगाना होगा, आर यू रेडी फॉर दैट? यस, इस वजह से तैयार हूँ कि अभी जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ SI इंडियन ग्लास लिमिटेड की फॉर्म में, एक छोटी AIS विंडोज, वहाँ पर भी हमें पूरा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि मेरी कोटेशन का वर्क है मेरा वहाँ पर पूरा, तो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मैं उनकी कोटेशन देता हूँ क्लाइंट्स को, और अगर उन्हीं के बेस उन्होंने कभी ड्राइंग मांग ली या फिर व्यू मांग लिया कि कैसे दिखेगी हमारी विंडोज स्टोर इंडस्ट्रीज, तो वो दिखाना भी होता है उनको, तो उसमें हम टाइम का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं कि आप इतना आओ और अपने चले जाओ, उसमें हम 7-7 बजे तक, 8 बजे तक, कभी रात में 12 बजे तक रुकना पड़ता है हमको। एक साल के बाद आपका शेयरली जो भी परसेंटेज ऑफ हाइक होता है वो तो होगा ही होगा, बट आपको 2 साल के लिए एक बॉन्ड हमारे साथ साइन करना होगा कि आप एटलीस्ट हम जो आपको सिखाएंगे 2 साल तक आप हमें सर्व करोगे। बिल्कुल, मिनिमम मतलब बीच में छोड़ना नहीं है कि नहीं छोड़ना। अगर बेसिकली अगर ये मेरे परफेक्ट डिजाइन में ही हुई अगर मेरी, तो मैं उसके लिए रेडी हूं। या वी आर बेसिकली फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड, टोटली डिजाइन ही का ही काम है आपका, तो उसी के लिए हम आपको हायर करने के लिए आए हैं। कम्युनिकेशन पूछना चाह रहे हैं आपका, लोगों से बातचीत कम्युनिकेशन कैसा है? अभी मतलब पहले मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, अब जब मैं इस कंपनी में आया हूँ तो यहाँ पर मुझे
अपने कस्टमर से भी बात करनी पड़ती है कुछ दिनों बाद, और सेल्स पर्सन से जो हमारे उनसे भी बात करनी पड़ती है, टीम वर्क में काम टीम वर्क होता है हमारे, हार्ड वर्किंग। हमारे यहाँ जाने घर जाने का पता नहीं है, मतलब वॉच रखनी नहीं है साथ में, वो तो सर यहाँ ऐसे होता है कि हम 8:30 शुरू होते हैं, रात को 9 बजते हैं, ये वो तो सर इस फॉर्म में भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं सुबह आते हैं, और हमें एक मंथ में टारगेट होता है उसको कंप्लीट करना ही होता है यहाँ पर, तो उसके लिए हमको डेज कभी कभी 12 बजे तक भी वहाँ पर उठ के काम करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जिस यहाँ पर मेरे जो CDC 18 एंड हाफ का है, तो उसके अराउंड या उससे आपका 18 है, ओके, एक्सपेक्टेशन मीन्स इससे हाई, अगर कितना परसेंटेज परसेंटेज 18,000 ले रहे हो, 20,000, 22,000, 23,000, 25,000, क्या डिप्लोमा नहीं है, नहीं बहुत 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 ओके ठीक है, ठीक है, 22-25 अराउंड स्टेज में होगा। तो फ्रेशर से हमारे शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, एक माह से हमारे लिए फ्रेशर हो गया आप, पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा हमें, 15 डेज तक मिनिमम का मेरा वहाँ पर आएगा, क्योंकि मुझे किसी जो मैं हैंडओवर भी करना पड़ेगा मुझे, जो मैं प्रोजेक्ट मैंने बनाई है वो चीज़, आपको जो हम काम कर रहे हैं कम से कम 3 साल तो आपको उसमें जानने में लगेंगे, हाँ भाई ऐसा है, उसके बाद आप आउटपुट दे पाओगे, तो हमें ये सोच के चलना है कि अगर हमारे पास आना है तो लंबा टाइम हमें देना पड़ेगा इस कंपनी को, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेन करने पड़ते आदमी, हम इतना ट्रेन करेंगे आपको, उसके बाद फिर वो आपने कहा 2 साल का बॉन्ड है, तो आपने कहा यही है, नतीजा भी नहीं He asked 2-year bond also possible with the right in return. Okay. Test paper करा लेते हैं। आप ही test paper करिएगा, mobile submit कर दीजिएगा स्वीटी को, it will take hardly 40 minutes test. And kindly submit the same to us, right? Okay. Right, Rohit. Thank you.